दूसरा अन, अन के माने है के, ये भी मुजारे को नसब देता है और माने अपने देता है के, जैसे क्या मानोगे, अमर तो हूं मैंने हुक्म दिया उसको, के वो मदद करे तेरी, दो हो गए जी। तीसरा देखें, इज़न, इसका एक इमला और है जो कुरान मजीद में अक्सर जगह पे आता है, ये दोनों एक ही लफ्ज है, सिर्फ इमले का फर्क है, लिखने का फर्क है, लफ्ज सेम है और माने हैं इसके। तब तो फिर तो क्या माने हुए, वो सब ये जमा का सीधा है, नोट करें, राहुल जमा लिखा हुआ है। अगर ये होता, फर्क नोट किया आपने, इजन यन सुरो का, तब तो वो मदद करेगा तेरी, इजन यन सुरु का, तब तो वो सब मदद करेंगे तेरी। कितने हो गए अवामिल मुजारे, लन अन इज़न। कई माने ताके, ये चौथा है नवासिब मुजारे में। क्या मानोगे, मैं मदद करता हूं या करूंगा तुम सब की। अब क्या मानोगे, तुम सब शुक्र करो। और अगर मैं कहूं नी
तो ये अलिफ खत्म हो जाएगा, मेरा। अब नवासे में मुजारे तो सिर्फ यही चार है, मतलब सिर्फ से मुराद ये नहीं है, आगे वाला चैप्टर के लिए खिड़की क्लियर नहीं चाहिए। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं उसमें असल तो चार है, लेकिन दो और बीच में शामिल हो जाते हैं। उसको समझने के लिए पहले उर्दू में बात को समझें। कोई साहब मुझसे पूछते हैं कि भाई ये काम तुमने किया है, और मैं जवाब में कहता हूं जी हां, तो मालूम हो गया कि मैंने वो काम किया है। और मैं जी हां कहने के बजाय अगर सिर्फ हां कह दूं तो किफायत करेगा? बिल्कुल करेगा, मफहूम पूरा हो रहा है। और अगर हां के बजाय मैं सिर्फ जी कह दूं, अब भी बात पूरी? तो इसी तरह से अरबी में भी। अब उर्दू में यह फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें असल लफ्ज कौन सा है, दोनों टक्कर के हैं, बराबर के हैं, इसलिए चाहे जी कहो चाहे हां कहो चाहे जी हां कहो, बात बराबर है। लेकिन अरबी में असल लफ्ज जो है वो तो है कई ताके, लेकिन इससे पहले अगर लाम जर ली लग जाए ली कई, तो ये वही उर्दू वाला जी हां है। माने में कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, इसके माने भी वो कई के माने भी वही है ताके, और ली कई के माने भी वही हैं ताके। और बाज जगह सिर्फ लाम जर ली आ जाए तो इसके माने भी वही हैं ताके। जैसे उर्दू में आप चाहे जी हां कहें चाहे जी कहें चाहे हां कहें, मफहूम सेम रहता है। इसी तरह अरबी में आप चाहे ली कई कहें चाहे कई कहें चाहे ली कहें, मफहूम वही रहता है ताके। और इसीलिए इसको लामे कई कहते हैं। और जिस तरह से ये कई पे आता है इसी तरह ये अन पे भी आता है। अन के माने हैं के, और इसके पहले ली आ जाए तो भी माने होंगे के या ताके, फिर ये ताके का इजाफा हो जाता है ताके। और ये बनता क्या है ली अन, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो मुजारे नफी पे आता है। अल ला, इसको मैं बाद में ठीक करूंगा, अभी तो अलग अलग लिख रहा हूं समझने के लिए। ली अल्ला तजरीबा, क्या माने हो गए? ला तजरीबो के माने क्या है? तू नहीं मारता या नहीं मारेगा। ली अन लग गया ताके तू ना मारे, ताके तू ना मारे।
वो कौन सा कायदा है जी, आपको तो बड़ा पक्का याद है, क्या कहते हैं उसको, यरमलून। यरमलून का कायदा क्या तकाजा कर रहा है? और मैंने यरमलून के कायदे में आपको बताया था कि अगर लाम में जाके मिलेगा, और दूसरा क्या हर्फ बताया था कि फिर नून की आवाज नहीं आती है, रा में गफूर रहीम नहीं कहते, गफूर रहीम कहते हैं। अशदो अन ला इलाह नहीं कहते, अशदो अल्ला इलाह। तो अब ये क्या बना, ली अल्लाह। और कुरान मजीद में ये लिखा जाता है ली अल्लाह, ये असल में ये है ली अन ला, ताके ना करे। तो चार के अलावा एक ये लाम ज़ेर ली, लामे कई भी कह लें कि ये नवासिब मुदारे में शुमार कर सकते हैं, हालांकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें वो कई जो है वो महजूफ माना जाता है। अगर सिर्फ ली आएगा तब भी कई जो है वो महजूफ है, अंडरस्टूड है, इसलिए वो असल नसब जो है वो कई की वजह से आती है। इसी तरह से एक लफ्ज और है, एक है हत्ता, ये तो उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या माने हैं इसके, यहां तक के। अब ये केह जो है ये असल में अंडरस्टूड होने की वजह से है, अलबत्ता ये है कि हत्ता अन का इस्तेमाल होता है, कम होता है, ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो हत्ता का होता है, और अन जो है वो अंडरस्टूड होता है, और नसब जो आती है वो असल में अन के असर की वजह से आती है। यहां तक के, केह का जो मफहूम आया, अन का जो मफहूम आया, चाहे हत्ता के साथ लिखा हो या ना लिखा हो, नसब अन ने दी है। लेकिन बहरहाल चूंकि अकेला हत्ता आएगा तभी वो मुजारे को नसब देगा, इसलिए हम लोगों को याद करना पड़ता है। तो इस तरह अब छह नवासिब मुजारे हमने पढ़े, लन, अन, इजन, कई, ली और हत्ता, ये छह नवासिब मुजारे हैं। बस जी, अब हम इसकी मश्क कर लें तो फिर इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। अब इंशाल्लाह आज हमने उन अवामिल का मतलब, कल हमने छह नवासिब मुजारे पढ़े थे, चार असल थे, वो तमाम जो थे वो एक ही ग्रुप था, लेकिन जवाब एक ग्रुप वो दूसरे को जज्म देता है, दूसरा ग्रुप वो है कि जिसमें आम तौर पर दो मुजारे आते हैं और वो दोनों को जज्म देता है, जो दूसरा ग्रुप उसका मुताला हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लें एक मुजारे को जज्म देने वाला, एक मुजारे को जज्म। लाए नहीं,
जिसको हम कहते हैं लामे अम्र, और ला जिसको हम कहते हैं लाए नहीं। असबाक आएंगे, उस वक्त हम इनका मुताला करेंगे। तो इस तरह इस वक्त सिर्फ दो रह जाते हैं, लम और लम्मा। जिस तरह नवासिब मुजारे में लन के अपने कोई माने नहीं थे, इसी तरह जवाजिब मुजारे में लम के अपने कोई माने नहीं है। लन जब मुजारे पे दाखिल होता है तो नसब देता है और जोरदार नफी का मफहूम पैदा करता है। लम भी जब मुजारे पर दाखिल होता है तो उसको जज़म देता है और जोरदार नफी के माने पैदा करता है। फर्क यह है कि लन जब मुजारे पे आएगा, नसब देगा, तो जोरदार नफी जो है वो मुस्तकबिल के लिए होगी। लन यफ़अला वो हरगिज नहीं करेगा, और लम जब मुजारे पे दाखिल होगा और जोरदार नफी के माने पैदा करेगा तो वो मखसूस होगा माजी के साथ। लम यफ़अल हरगिज नहीं किया, उर्दू मुहावरे में फिर हम कहते हैं कि उसने किया ही नहीं। यही मतलब है ना, मां फावला उसने नहीं किया, ये सिंपल निगेशन है, इसमें जोर और ताकीद का मफहूम नहीं है। सर वो भी निगेशन का पास है। अब वो तो फिर जबान का अपना फायदा है कि वो जब माजी में जोरदार नफी का मफहूम पैदा करना चाहते हैं तो माजी के बजाय मुजारे पर लम दाखिल करके माजी में जोरदार नफी का मफहूम पैदा करते हैं। ये तो मतलब अहले जबान, और मैंने आपको जैसे कई दफा बता चुका हूं कि जबान पहले वजूद में आई है, ग्रामर बाद में बनी है। अगर यूं होता कि पहले ग्रामर बनती फिर तो हम आपकी बात पे गौर कर सकते थे, लेकिन चूंकि जबान पहले बन गई थी, बाद में कवायद तलाश किए गए हैं, तो कवायद तलाश करने वालों ने यह देखा कि अहले जबान का तरीका यह है कि जब माजी में सिंपल नफी करनी होती है तो फेल माजी पर वो माल आते हैं, और जब माजी में जोरदार नफी करनी होती है तो मुजारे पर लम लाते हैं। लम यफ़अल उसने किया ही नहीं, उसने हरगिज नहीं किया। और लम्मा के माने हैं अभी तक नहीं, लम्मा यफ क्या आएगा, यफ अल उसने अभी तक नहीं किया। तो इसने भी जज़्म के दिया मुजारे को, नफी के माने पैदा किए, और ये भी माजी में चला गया, अभी तक नहीं किया। ठीक है जी, लम ही जो है ये हम इंशाल्लाह अलहदा पढ़ेंगे। अब दो मुजारे को जज़्म देने वाले हरूफ जो हैं वैसे तो ज्यादा हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक पढ़ेंगे।
ये वही तरकीब है जो हमने इसमें भी इस्तेमाल की थी, भला कहां की थी याद है? इजाफत की निस्बतें मैंने आपसे कहा था कि कई हैं, मिल्कियत की जो निस्बत है वो उनमें से एक है, लेकिन मुरक्कब इजाफी के जितने भी हमने कवायद पढ़े थे वो मिल्कियत की निस्बत के हिसाब से पढ़े थे और समझे थे, और उसके बाद फिर माशाल्लाह आप इतने अक्लमंद हो गए थे कि हम दूसरी निस्बतों की तरफ सिर्फ इशारा करते थे और आप बात पा जाते थे। आगे चल के हमने आपको क्या बताया? बस यही बताया ना कि फौका मुजाफ बन के आता है, तहता मुजाफ बन के आता है, इंदा मुजाफ बन के आता है, ये मुख्तलिफ निस्बतें थीं, इजाफतें थीं, लेकिन एक के हिसाब से जब हमने कवायद पढ़ लिए तो बाकी के लिए फिर हमें आसानी होगी, सिर्फ ये इशारा काफी हो गया कि ये मुजाफ बन के आता है, ये मुरक्कब इजाफी का जुज है। इसी तरह से दो मुजारे को जज़म देने वाले हरूफ में से हम सिर्फ एक हर्फ का यहां मुताला करेंगे, उसकी जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे फिर हमें भाई इशारा काफी होगा। बस ये बता दिया जाएगा कि ये दो मुजारे को जज़म देने वाला हर्फ है, दैट्स ऑल। कवायद हमें पता होंगे और कायदा इसमें कोई ज्यादा है नहीं, सीधा सा हिसाब है, वो एक लफ्ज है इन, इन के माने हैं अगर, और ये अगर का मफहूम जो है ये शर्त के लिए आता है। अब इसमें दो फेल आए, अगर तू मुझको अगर तू मारेगा, मारेगा ये पहला मुजारे, तो मैं मारूंगा ये दूसरा मुजारे। ऐसी सूरत में हम इन लगाते हैं और सिर्फ एक दफा लगाते हैं, दो दफा नहीं लगाते। इन लगा के दोनों मुजारे को जज़म दे देते हैं, मफहूम वो पैदा हो जाता है। इन तज़रिबनी, इन तज़रिब अगर तू मारेगा, नी मुझको, अब दूसरा मुजारे खुद ब खुद मज़ज़ूम हो जाएगा, अग़रिब का, तो मैं मारूंगा तुझको। तो इसने दोनों मुजारे को जज़म दी है, इसलिए ये उन हरूफ में से है जो दो मुजारे, और आमतौर पर ये शर्त के लिए आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये शर्त है, ये जवाब शर्त है। ये कहां पढ़ा था? पढ़ा हमने शर्त और जवाब शर्त माजी शर्तिया में, वहां पर अगर के लिए क्या लफ्ज आया था? लौ। तो आप देखें कि लौ के साथ आम तौर पर माजी इस्तेमाल हुआ है, और वहां जवाब शर्त पे लाम जबर ला आया था, और अगर मुस्तकबिल के लिए शर्त होती है तो आम तौर पर फिर उसमें मुजारे का इस्तेमाल होता है और वो फिर इन के साथ आता है। लौ के माने भी अगर हैं, इन के माने भी अगर हैं, इस्तेमाल में फर्क है।
असमाय इस्तेफाम पढ़े थे याद हैं? क्या था भला, कोई एकाध दो चार तो बताएं ना। मन मा अयुन अयतुन, ये अस्माए इस्तेफाम जो हैं, इनमें से कुछ, तमाम के तमाम नहीं, इस वक्त हम इसका सिर्फ सरसरी जिक्र कर रहे हैं, किताब में भी इसका सरसरी जिक्र है, इशारा है बस। वो जब बतौर शर्त के इस्तेमाल होते हैं तो फिर वो भी शर्त और जवाब शर्त वाला मसला आ जाता है, और दो मुजारे को जज़्म देते हैं अगर जुमले में दो मुजारे इस्तेमाल हो तो, और एक ही मुजारे इस्तेमाल होगा तो फिर एक ही मुजारे को जज़्म देंगे, लेकिन वो मफहूम समझ लें। इसके क्या माने होंगे? मैं यफ़अलो, कौन करता है या कौन करेगा? अब क्या माने होंगे? जो करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ऊलाइका, क्या हुमुल ख़ासिरून है या हुमुल मुफ़लिहून है, मैं भूल रहा हूं। बहरहाल कंस्ट्रक्शन वही है, मन यफ़अल ज़ालिका। अब देखें यहां एक मुजार, इस आयत में एक मुजारा मज़ूम हुआ है, इसलिए कि आगे जवाब शर्त जो है वो जुमला इसमें आ रही है, फ़ऊलाइका हुमुल मुफ्लेहून या उलाय का उमुल खासिरून, वो पूरा जुमला इस्मिया जवाब शर्त के तौर पर आ रहा है, इसलिए एक मुजारे मज़ूम हुआ है वो उस आयत में, लेकिन वहां पर मन जो है वो शर्त के तौर पर आया है, मुजारे मज़ूम आया, वो मन यफ़अल ज़ालिका, जो ये करेगा। ऐसी सूरत में ये इसमें इस्तेफाम है, और ऐसी सूरत में ये इसमें शर्त है। तो अस्माए इस्तेफाम में से कुछ अस्मा हैं जो बतौर इसमें शर्त के इस्तेमाल होते हैं, और उस सूरत में वो उमूमन दो मुजारे को, दोनों मुजारे को जज़्म देते हैं अगर शर्त में जवाब शर्त भी मुजारे की शक्ल में आ रहा हो तो, और अगर जवाब शर्त जो है जुमला इस्मिया है या, और जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो देखेंगे और भी कुछ सूरतें हैं, तो फिर वो एक ही मुजारे को जज़्म देता है, लेकिन ग्रुप वो वही कहलाएगा दो मुजारे को जज़्म देने वाला। दो मुजारे को जज़्म देने वाले कुछ हरूफ हैं जिनमें से एक इन पढ़ा है हमने, और अस्माए इस्तेफाम में से कुछ इस्म अस्माए शर्त बन के जब आते हैं तो वो भी ग्रुप वही बनता है दो मुजारे को जज़्म देने वाला, और इस वक्त हमने मन के हवाले से वो मफहूम समझ लिया है। बस जी, अब हम इंशाल्लाह मशकें कर लें ताकि ये, हाँ ये दो चीज़ें नोट कर लें, माने में जो फ़र्क है ये भी नोट कर लें, ये किताब में नहीं है। بسم الله الرحمن الرحيم
जुमला इस्मिया में हमने देखा था कि जब ताकीद का मफहूम पैदा करना होता है जुमला इस्मिया में तो क्या करते हैं, इन्ना लगाते हैं, टेस्ट देने के बाद भूल गए। अब हम ये देखेंगे कि अगर फेल मुजारे में ताकीद के माने पैदा करने हों तो फिर क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर या पालो, इसके माने वो करता है या करेगा। अगर हम ये कहना चाहें कि वो जरूर करेगा, तो एक नून साकिन उसके आगे बढ़ा देंगे, लाम की फतहा जो है, जम्मा जो है वो फतहा में तब्दील हो जाएगी। यफ अलुन के बजाय यफ अलन, इसके माने हो गए वो जरूर करेगा। और ये जो साकिन नून है इसको ग्रामर के इस्तिलाह में कहते हैं नून खफीफा। खफीफ कहते हैं हल्की चीज को, नून खफीफा यानी हल्का नून। और अगर इतनी ताकीद से इत्मीनान नहीं हुआ, मजीद ताकीद करना चाहते हैं कि वो जरूर भी जरूर करेगा, तो अब हम कहेंगे यफ़अलन। अब नून मुशद्दद लगा दिया गया है, इसको कहते हैं नून सकीला, भारी नून। और ये दो मर्तबा ताकीद करके भी तसल्ली नहीं हुई है, अब वो मजीद ताकीद करना चाहते हैं तो फिर उससे पहले लाम जबर ला लगा देंगे, जिसे कहते हैं हम लाम ताकीद। अब तीन ताकीदें हो गई, इसलिए कहते हैं कि अरबी जबान में ताकीद का मफहूम पैदा करने के लिए जितने ज्यादा असलूब हैं और जितने ज्यादा तरीके हैं शायद दुनिया की और किसी जबान में नहीं होंगे। लेकिन ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि यफ़अलो से पहले हमने यफ़अलन किया, फिर यफ़अलन्ना किया, फिर लाम ताकीद लगाया ला यफ़अलन्ना हुआ, ये स्टेप्स जो हैं ये सिर्फ बात को समझाने के लिए, ताकि ताकीद का लेवल जो है वो आपके जहन नशीन हो जाए। वरना आम इस्तेमाल जो है वो लाम ताकीद के साथ या तो नून खफीफा या नून सकीला, आम इस्तेमाल जो होता है वो ये है। आम तौर पे इस्तेमाल जो है वो नून खफीफा के साथ लाम ताकीद या नून सकीला के साथ लाम ताकीद, और ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो ये है। उर्दू में तो नहीं हो सकता इसका तर्जुमा, पंजाबी में हो सकता है, उसका तो प्यो भी करे। लेकिन अरब कौम जो है जरा महजब है हमसे ज्यादा, वो बाप दादा तक नहीं पहुंचते, उन्होंने अपने असलूब इख्तियार किए हुए हैं एम्फेसाइज करने के बाद को।
एक दूसरी बात ये नोट करें कि कभी नून सकीला और नून खफीफा के बगैर मुजारे पर सिर्फ लाम ताकीद भी आता है। अगर नून सकीला और खफीफा के बगैर लाम ताकीद आएगा तो मुजारे पर कोई भी एराबी तब्दीली नहीं आएगी। फिर वो कहेंगे लयफ़अलो, एराबी तब्दीली नहीं आई, मानवी तब्दीली आती है। मुजारे पर जब लाम ताकीद लग जाए सिर्फ नून सकीला खफीफा के बगैर, तो फिर मफहूम वो पैदा होता है जो अंग्रेजी ग्रामर में हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लयफ अलो के माने होंगे वो कर रहा है, करता है में तो वो चला जाएगा क्या ना इस्तेमरारी का मफहूम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो कर रहा है। लयफ अलो के में माने तब्दील होंगे वो कर रहा है, नून सकीला और खफीफा के साथ जब इस्तेमाल होता है तो फिर वो ताकीद के मफहूम है। अच्छा जी, अब हमने आपको ये बताया था कि जब नून खफीफा या सकीला लगे तो ये लाम की जम्मा जो है ये फतहा में तब्दील होती है। ये तो बात हुई एक सीगे की, सीगा नंबर एक की, बाकी 13 सीगे उनमें कहां कहां क्या तब्दीली आती है वो किताब में दी हुई है और वो आप समझ लें। लेकिन उस मसले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए वो जो मैं आपको ताकीद किया करता था कि ये जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, सॉरी ग्रामर के गर्दान पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मेट जहन नशीन करें। और ये ताकीद कहां से शुरू हुई थी? जब हमने जमीर मरफुआ की पहली गर्दान पढ़ी थी उस वक्त से मैं आपसे कह रहा था कि ये गर्दान का फॉर्मेट जो है ये जहन नशीन होना चाहिए। उसकी अफादियत अब देख लें। यही फॉर्मेट है ना? ये तीन सीगे वाहिद, सॉरी मुजक्कर गायब के, ये तीन सीगे मुन्नस गायब के, ये तीन सीगे मुजक्कर मुखातिब के, ये तीन सीगे मुन्नस मुखातिब के, और ये दो मुतकल्लिम के। इनमें वो पांच को सीगे कौन से हैं जिसमें जमीर फाइली पोशीदा होती है? याद है कि भूल गए? भूल गए। यफ अलो, तफ अलो, तफ अलो, अफ अलो, नफ अलो, यही पांच ही गए हैं ना। इन पांच सीगों पर जब नून खफीफा या सकीला आएगा तो लाम की जम्मा फतहा में तब्दील होगी। या फलो से यफअलन, तफअलन,
अफलन्न है, वो आप खुद ही डाल दें टफ आलन। नोट करने की बात यह है कि ये वो पांच सीगे हैं जिसमें नब जब नूने सकीला या खफीफा आएगा तो लाम की जम्मा फतहा में तब्दील होगी, और वावुल जमा वाले सीगे कौन से हैं? वावुल जमा याद है कि भूल गए? जिसमें जब नून इजाबी गिरता है तो वाव के साथ अलिफ का इजाफा होता है। एक तो माजी का है फालू, मुजारे में दो हैं जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर मुखातब। इसमें जब नून सकीला या खफीफा लगता है तो लाम कलमे पे जम्मा बरकरार रहती है, वो वावुल जमा की अलामत है। यानी अलुन्न तफअलुन्न। अब ये लाम कलमे की फतहा और जम्मा का फर्क आपके समझ में आ रहा है? सिवाय एक जमा मुतकल्लिम के बाकी सब वाहिद हैं। अफअलन्ना वाहिद मुतकल्लिम, तफअलन्ना वाहिद मुजक्कर मुखातब या वाहिद मुअन्नस गायब, और यफअलन्ना वाहिद मुजक्कर गायब। और नफअलन्ना में लाम की फतह से धोखा नहीं खाएंगे, इसलिए कि नून यतान याद है अलामत मुजारे, उसमें हमने पढ़ा था कि नून जो है यतान जो अलामत है नून, वो सिर्फ जमा मुतकल्लिम में ही इस्तेमाल होती है और कहीं नहीं इस्तेमाल होती। तो इस नून से हम पकड़ लेंगे कि जमा है, बाकी धोखा नहीं खाएंगे। और ये लाम की जम्मा हमें बताएगी कि ये जमा है। बस ये अगर आप जहन नशीन कर लें, इसलिए कि कुरान मजीद में ज्यादातर यही सीगे इस्तेमाल हुए। बाकी तस्निया के सीगे और ये मोनस जमा के सीगे मुझे नहीं याद पड़ता, शायद कहीं एकाद हो, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, ज्यादा दावा नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं आया है। कसरत से जो इस्तेमाल है कुरान मजीद में वो इन्हीं पांच सूरों का है। वो सूरा आल इमरान के आखिर में बिल्कुल फल्लज़ीना हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह व उज़ू फी सबीली लौ कफ़िरन्ना अन्हुम, ये वाहिद मुतकल्लिम, मैं लाजमन झाड़ दूंगा दूर कर दूंगा। कफ़रा यकफ़रू माने तो दबा देना किसी चीज को, छुपा देना, मैं लाजमन छुपा दूंगा सैयातिहिम उनकी बुराइयों को। वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा, मैं लाजमन दाखिल कर दूंगा। सूरह नाम भूल रहा हूं, वला यअलमन अल्लाहुल लजीना सदकू वला यअलमन अल्लाहुल काज़िबीन, और अल्लाह लाजमन जान कर रहेगा। वला तुदखिलन المسجد الحرام, तुम लोग लाजमन दाखिल होगे मस्जिद हराम। ज्यादातर यही सीगे हैं, यही पांच सीगे। और इसमें असल पहचान जो है वो लाम की फतहा और लाम की जम्मा, भाई यहां से हम पकड़ते हैं कि ये वाहिद का सीगा है या जमा का सीगा है, सिवाय नून के। वो कुरान मजीद में वलन कफ़िरन भी आया है, वला उकफ़िरन भी आया है, मैं वाहिद भी आया है। अल्लाह ताला अपने लिए जमा के सीगे बेतहाशा इस्तेमाल करता है कुरान मजीद में, वो भी आया है। तो ये पांच सीगे जहन नशीन कर लें, और ये जहन नशीन हो जाएंगे तो फिर तस्निया याद करना कोई मसला नहीं है, और जमा मुअन्नस याद करना भी कोई मसला नहीं है।
ये तो हो गई गर्दान नून सकीला की, और नून खफीफा की गर्दान मैं आप लोगों को छोड़वा रहा हूं, इसलिए कि नून खफीफा कुरान मजीद में दो या तीन जगह के से ज्यादा कहीं नहीं आया। और अगर नून खफीफा आपके समझ में आ जाएगा, इस सीगे की पहचान आपको हो जाएगी, तो जहां कहीं नून खफीफा आएगा आपको पहचानने में मुश्किल ही नहीं आएगी। तो इसलिए कंसंट्रेट करें नून सकीला पर, ये सीगे बहुत इस्तेमाल हुए हैं और उनमें भी ये पांच। बस जी अब हम मश्क हम नोट कर लें, मश्क अब हमने करनी है। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصے میں جب ہم مرکبات اور جملے پڑھ رہے تھے تو جملے کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی، کچھ یاد ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو، کوئی خواہش سامنے آئے یا کوئی حکم پتہ لگے۔ تو خبر آپ نے پڑھ لیا کیسے سامنے آتی ہے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ مبتدا خبر پڑھی ہے کہ نہیں؟ خواہش سامنے آئی ہے کہ نہیں؟ وہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ ماضی تمنی پڑھا ہے کہ نہیں؟ یا لیتنی کنت ترابا، تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ خواہش کیسے سامنے آتی ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حکم کیسے سامنے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ غور کریں کہ درمیان میں ہم نے اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے، ماضی پڑھا ہے، مضارع پڑھا ہے، اور ماضی کی جو اقسام پڑھی ہیں، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، یہ سب کس کھاتے میں گئے؟ یہ سب خبر ہیں۔ زید نے لکھا، کوئی اطلاع ملی آپ کو؟ کوئی خبر معلوم ہوئی؟ اسی لیے کہا تھا نا کہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا جو ہے وہ خبر بن کے آتا ہے۔ زید لکھے گا، خبر پتہ لگی؟ زید نے لکھا تھا، زید لکھ چکا ہے، زید لکھا کرتا تھا، شاید زید نے لکھا ہوگا، یہ سب خبریں۔ اب صرف حکم باقی رہ گیا۔ تو جس فعل میں حکم سامنے آیا اسے ہم کہتے ہیں فعل امر، اور مخاطب کے صیغے میں حکم دینا تو بڑا آسان ہے کہ تم یہ کرو۔ کیا غائب کے صیغے میں بھی حکم دیا جا سکتا ہے؟ غالباً یہاں گریڈ 18 کا افسر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ کام عموماً گریڈ 17-18 سے شروع ہوتا ہے اور پھر اپنی بلندیوں کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ جاؤ اس سے کہو کہ شام تک یہ کام ہو جائے، ورنہ یہ کیا ہے؟ غائب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ متکلم خود اپنے آپ کو بھی حکم دیتا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا یہ اس زمانے کی بات ہے، میرے زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں اپنے، ایک صاحب نے بڑا لمبا لیکچر دیا مجھے نماز کی اہمیت پر، میں سر جھکا کے سنتا رہا۔ جب وہ ایگزاسٹ ہو گئے تو مجھ سے پوچھنے کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا کہ جی۔ کیا سمجھے؟ میں نے کہا جی مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ بہت خوش ہوئے، پیٹ ٹھوکی، کہیں گے جاؤ پڑھو نماز۔ پڑھ کے تو خیر میں نے پھر بھی نہیں دی تھی، لیکن جو جملہ میں نے بولا تھا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں، یہ متکلم کا حکم ہے اپنے لیے۔ مجھے چاہیے کہ میں نماز پڑھوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ حکم جو ہے وہ غائب میں بھی ہوتا ہے
मुखातब में भी होता है और मुतकल्लिम में भी होता है। ज्यादातर इस्तेमाल चूंकि मुखातब का है इसलिए हम ये समझते हैं कि सिर्फ मुखातब को ही हुक्म दिया जाता है, लेकिन ये नोट कर लें कि मुखातब के अलावा गायब और मुतकल्लिम में भी फेल अम्र होगा। अलबत्ता इनके इस्तेमाल में फर्क है इसलिए हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम मुखातब का फेल अम्र पढ़ेंगे और उसके बाद उसको फेल अम्र गायब कहते हैं, मुतकल्लिम उसमें अंडरस्टूड होता है। तो पहले फेल अम्र मुखातब पढ़ेंगे और उसके बाद फेल अम्र गायब पढ़ेंगे। तो मुखातब के तो छह ही सीगे होते हैं, यही छह सीगे हैं ना मुखातब के। इन छह सीगों में फेल अम्र कैसे बनता है? ये छह सीगे मैंने कौन से लिखे हैं? मुखातिब के तो हैं, लेकिन कौन सा फेल है? माजी नहीं है, मुजारे है। तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि फेल अम्र जो है वो मुजारे से बनता है, मुजारे में कुछ तब्दीलियां करते हैं और मुजारे से फिर फेल अम्र बनता है। और बनाने में पहला स्टेप जो है ये फोर स्टेप फॉर्मूला है। तफ़अलों से जब अलामत मुजारे हमने गिरा दी तो बाकी क्या बचा? आप इसको पढ़ सकते हैं? ऐसे मौके पर क्या करते हैं अरबी वाले लोग? हमजतुल वस्ल लगाते हैं। तो स्टेप नंबर टू ये है, चले जी हमजतुल वस्ल लगा दिया, अब हमजतुल वस्ल पे हरकत क्या आएगी ये भी फैसला करना है ना। ऐन कलमे पर अगर जम्मा है तो फिर तो हमजतुल वस्ल पर जम्मा आएगी, और ऐन कलमे पर अगर फतहा या कसरा है तो फिर हमजतुल वस्ल पर कसरा आएगी। जैसे नसरा यंसुरो, इसका मुखातिब बनेगा तन सुरो। इससे जब अलामत मुजारे गिराई है, हमजतुल वस लगाया है, ऐन कलमे पर जम्मा है तो यहां पर जम्मा आएगी। और जराबा यज़रिबु, इससे मुखातब तज़रिबु, इसकी अलामत मुजारे गिरेगी और हमजतुल वस लगेगा, ऐन कलमे पर कसरा है तो कसरा आएगी। और आखिरी स्टेप ये है,
कि लाम कलमे को मज़ूम करें। चले जी, अब यहां पे फतह है इसलिए इसके नीचे हम कसरा लगा लेते हैं। लाम कलमे को मज़ूम कर दिया, वो हो गया इफ अल, ये हो गया उनसुर, ये हो गया इज़रिब। उनसुर के क्या माने बनेंगे अब? तू मदद कर, ये मुखातब का मफहूम आना चाहिए, तू मदद कर। इज़रिब, तू मार। लाम कलमे को मज़ूम करने का मतलब क्या है? यहां तो हमने अलामत सुकून लगा दी, बाकी कैसे मज़ूम होगा? पढ़ चुके हैं आप लोग, कैसे करेंगे मज़ूम? नून एराबी गिराएंगे, इसमें से अलामत मुजारे गई, नून एराबी गया। इफ आला, इसमें से अलामत मुजारे गई, नून एराबी गया। और कुछ करना है यहां पे? अलिफ का इजाफा करना है। इफ आलू, यहां से नून एराबी गया। इफ अली, अब ये लिखा फिर इस तरह जाएगा। यहां क्या करना है? अलामत मुजारे गिराने में कोई हर्ज नहीं है, हमजतुल वस भी लगा लें आप, उसकी हरकत भी तय कर लें, लेकिन इस नून नुस्वा को मत छेड़े। इफ अल ना रहेगा। तो लाम कलमे को मज़ूम करने का मतलब समझ गए? अब जहन में एक खिड़की खोल लें, वरना आगे चल के आप मुझसे झगड़ा करेंगे। अलामत मुजारे गिराने के बाद हमजतुल वस्ल लगाने का जो मसला है, वो उसी सूरत में है कि फा कलमा साकिन मिले। और अभी तक हमने जितना मुजारे पढ़े हैं उसमें फा कलमा साकिन ही है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हम कुछ और मुजारे पढ़ेंगे जहां फा कलमा हमें मुतहर्रिक मिलेगा। तो चूंकि वो पढ़ा जा सकता है, इसलिए वहां पर फिर हमजतुल वस लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो असल में सही बात जो है वो ये है, और पुरानी जो ग्रामर की किताबें हैं आपको उसमें यही लिखा हुआ मिलेगा कि अलामत मुजारे गिराए, अगर फा कलमा मुतहर्रिक नहीं है तो हमजतुल वस लगाए। हम उसको इसलिए एलिमिनेट कर देते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ाया है वो तो वही पढ़ाया है, फा कलमा साकिन, इसलिए हम स्ट्रेट कह देते हैं कि हमजतुल वस लगाएं, लेकिन जहन में खिड़की खुली रहनी चाहिए। और अहम बात जो है वो लाम कलमे का मज़ूम होना है, जहन सिर्फ वहां ना अटक जाए, इफ अल पे। इफ अला में भी लाम कलमा मज़ूम है, इफ अलू में भी लाम कलमा मज़ूम है, इफ अली में भी लाम कलमा मज़ूम है। इसलिए जब नसब और जज़म हम पढ़ रहे थे मुजारे की, तो हमने आपको अलग करके बता दिया था कि वो सीगे जिसमें ज़मीर फ़ाइली पोशीदा होती है, उसमें लाम कलमे पर जम्मा होती है, वहां तो नसब में फतह आएगी और जज़म में सुकून, अलामत सुकून आएगी, और जहां नून एराबी आता है वहां मज़ूम होना यह है कि नून एराबी गिरा दी जाए, सिवाय जमा मुअन्नस के। चलें जी, अब इसकी भी थोड़ी सी मश्क कर लें हम लोग।